गुस्से का ये गुबार फूटा है जम्मू कश्मीर के रामबन में, जहां एक शख्स की लाश मिली। मौत पर नाराज लोग पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी जान की खैर मनाने लगे। पुलिस पे मत करो अटैक, पुलिस ने क्या किया? लाश मिलने पर भीड़ का गुस्सा फूटा। लोगों की ये नाराजगी सेना के खिलाफ है। आरोप है कि सेना की फायरिंग में मोहम्मद सफी गुर्जर नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक की माने तो सेना के जवानों ने इन्हें टारगेट किया। तो ये फायरिंग कितने बजे हुई? ये 4 बजे। 4 बजे आप क्या कर रहे थे? हम आम को घास डाल रहे थे। अच्छा, उधर से तब तक वापस आए, इन्होंने पीछे से फायर किया, अंदर तो मैं अंदर गिरा तो इसको भी मार दिया फिर फायर। अच्छा, तो ये फिर इसके बाद दरवाजे के बाद अंदर आके इन्होंने मारा इसको? अंदर आके मारा। मौत की खबर लगते ही इलाके में बवाल मच गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बगैर देर किए सेना के जवानों पर FIR दर्ज कर ली। रामबन के SSP के मुताबिक आर्मी के 58 राष्ट्रीय राइफल्स के खिलाफ धर्मकुंड थाने में FIR दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है। पुलिस ने FIR दर्ज की तो सेना ने भी फायरिंग के आरोपों पर सफाई दी। सेना के मुताबिक सुबह 3:45 पर यह गोलीबारी हुई। जवानों ने फायरिंग की और उन्हीं की फायरिंग में जान गई, लेकिन सेना का कहना है कि पहले जवानों पर गोलियां दागी गईं। जवाबी कार्रवाई में सफी गुर्जर की जान चली गई। कुछ स्थानीय लोगों का दावा यह है कि मृतक और जख्मी शख्स पशुओं की खरीद बिक्री करते थे। इस मामले के बाद रामबन में तनाव बरकरार है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा चौकस कर दी गई है।